8:22 हो गई है, 8:22 और सुबह की, और अभी 3 तारीख है आज, थर्सडे, गुरुवार, और आज वीकली एक्सपायरी है। तो आज चाय पे चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो पहले डिस्क्लेमर एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, ये डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है एंड मैंडेटरी है। ये मेरे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमेशा लिखा हुआ आपको मिलेगा, और इसको पढ़ना मैंडेटरी है। तो जय जिनेन्द्र, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का आज क्या रहेगा, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमको पता है कि डाउ जोन्स अब महज 400 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। इसके पहले नेस्डेक और एस एन पी 500 तो अपने चौके छक्के लगा के कई बार नए ऑल टाइम हाई बना चुके हैं, कई बार, मतलब पिछले हाई को तो तोड़ने के बाद कई नए हाई बना दिए उन्होंने। लेकिन डाउ जोन्स अब पहली बार अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 406 पॉइंट कल दूर था, जब डाउ जोन्स का हाई 162 का बना, 29162। तो अपने हाई से सिर्फ 406 पॉइंट दूर था वो, जबकि हमारा निफ्टी अभी भी, अगर हम जो 794 का हाई, यानी कि राउंड फिगर में 800 का मान ले, तो भी 640 पॉइंट दूर था। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा हाई बना इस मंडे को, उससे बाद। तो ये एक ब्रॉडर स्टोरी। दूसरी स्टोरी एक है कि बॉर्डर पे, जो लद्दाख के बॉर्डर पे थोड़ी टेंशन राइजिंग हो रखी है, उसी के कारण कल आपको SGX निफ्टी जो माइनस दिखा रहा था 70-80 पॉइंट, उसका कारण वो था। और लेकिन जो डाउ जोन्स की रैली आई, उसके चक्कर में वापस SGX निफ्टी अपना उसी रंग में आ गया। तो मैंने आप लोग को बोला था कल भी तेज़ी रहेगी, आज भी तेज़ी, और लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वेज में वापस अब घुसना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वेज क्या बता रहा है, 8 तारीख से ज़्यादा वो वेट भी नहीं कर सकता है। अगर इसको जो भी हाई बनाना है निफ्टी को, चाहे वो 680 का बनाए आप या फिर 900 का बनाए, वो 8 तारीख तक का टाइम, आप 8 तारीख भी नहीं, आप 7 तारीख का डेडलाइन लिख लीजिए, डेडलाइन इज 7th। और एक चीज़ आज ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से, कोई भी फ्यूचर्स, जैसे कल फ्राइडे है, तो कोई भी फ्यूचर्स की निफ्टी में बाइंग या बैंक निफ्टी में बाइंग, वो ओवरनाइट कभी भी कैरी मत करिएगा। ओवरनाइट मतलब आज बाई किया हुआ को रात को लेके नहीं जाना है, अगर उसको लेके जाना तो साथ में एक पुट जरूर लेके जाइए, पुट, क्योंकि अगर चाइना इंडिया में कुछ भी लफड़ा हो गया तो सुबह आपको, आपका सत्यानाश हुआ मिलेगा आपको। तो ये भी आपको ध्यान रखना, तेज़ी में हम हैं लेकिन बी कॉशियस, क्योंकि मेरी जो टारगेट है आने वाले 2 महीने में, मैं 2100 पॉइंट का करेक्शन देख रहा हूँ आने वाले 2 महीनों में, और जो भी 7 या 8 तारीख तक का जो भी अभी तक का हाई रहेगा, वहाँ से आप 2100 पॉइंट मिनिमम मंदी देख सकते हो, ये मुझे लगता है, लेकिन ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है। इसके चक्कर में आप लोग पुट पार्ट लेके बैठ जाओगे तो मुझे मत बोलना, ठीक है। तो ये मुझे लगता है और मैं इसी बात पे अडिक भी हूँ, और मैंने आपको जिस दिन मंडे की मंदी है उसी दिन से बोल दिया कि एक बार मार्केट ऊपर ही जाएगा, और मार्केट मेरी बात को चरितार्थ करता है, क्योंकि आप देखो दोनों दिन इसने हायर लोज बनाए, आफ्टर मंडे, मंगलवार को जो लो बनाया वो सोमवार से ऊपर का था, और बुधवार को जो लो बनाया निफ्टी में वो मंगलवार से ऊपर का था, यानी कि हायर लोज। हायर हाइस तो बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कैंडल थी सोमवार वाली, वो 500 पॉइंट के लगभग की कैंडल थी, 500 पॉइंट्स, ठीक है। तो 500 पॉइंट तो एक दिन में राइज नहीं होगा, तो दोनों दिन इसने राइज करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं 550 के या 555 के स्तर पे आके दबाव ले रहा था, लेकिन आज वो स्तर वो बहुत आराम से पार करेगा ऐसा मुझे लगता है। और आज आपको 650 का स्तर तो जरूर जरूर देखने मिलेगा, जरूर जरूर, दिन भर में 650 का स्तर। लेकिन वहाँ पर कोशिश क्यों होना है, ये सारी बातें मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और अब जो अपने घरेलू इवेंट्स में एक मोरेटोरियम का जो लोन पे लोन है इंटरेस्ट का, उसका आज सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी, और वो 2 बजे के बाद है मुझे मालूम है। तो 2:15 पे वैसे भी आज क्या होता है, चंद्रमा जो है कुंभ राशि से चेंज होके मीन राशि में जाएगा। मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानता हूँ, खुद की मेहनत से सीखा है, कभी कोई क्लास नहीं किया उसका,
ठीक है। तो आप देखो ये तीनों दिन जो तेजी हुई, मंगलवार को कुंभ राशि में एंट्री किया था चंद्रमा ने, कुंभ राशि में मंगलवार को मार्केट तेज रहा, किसी भी बहाने से तेज रहा, लेकिन रहा। बुधवार को भी कुंभ राशि में था चंद्रमा, यानी कि यस्टरडे, पूरे दिन जब भी नीचे आया ऊपर ही आया वापस। आज भी 2:15 तक कुंभ राशि में चंद्रमा, तो 2:15 के पहले आप अपनी पोजीशन को, बाई की पोजीशन को एक बार काट लीजिएगा। 2:15 के बाद बड़ी तेजी भी आ सकती है, लेकिन वहाँ रिस्की है, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उस पर भी बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा, और हो सकता है वहाँ से एक बड़ी अपमूव भी दे दे। 2:15 के बाद भी चंद्रमा जो मीन राशि में जा रहा है वहाँ पे भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन मीन राशि में जाने के बाद ऐसा, मीन राशि में जो चंद्रमा 2:15 पे जाएगा वहाँ पे एक गज केसरी योग जरूर बनता है, क्योंकि वो गुरु से चौथा हो जाएगा। गुरु 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा 12 नंबर की राशि में 2:15 पे चला जाएगा। तो जब भी गुरु और चंद्र केंद्र में रहते हैं, अपने आपस में केंद्र में रहते हैं, तो केंद्र किसको बोलते हैं, 1, 4, 7, 10। तो अगर आप चंद्रमा से काउंट करो जो 12 नंबर में है, तो 12 से 9 में आओगे अगर आप, तो आप देखोगे तो 10 नंबर होता है। तो 1, 4, 7, 10 मैंने बोला आपको केंद्र होता है। तो ये गज केसरी योग बैंक निफ्टी को, मुझे तो लगता है 2:15 के बाद और बड़ी अपस्विंग आएगी बैंक निफ्टी में, लेकिन मैं वहाँ कॉशियस भी होने बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 दिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो 2:15 की जगह आप 2:10 का कट ऑफ मान लीजिए, 2 बजे का मान लीजिए, वहाँ आपको निकल जाना। और अगर रिस्क लेना है तो बैंक निफ्टी में एक इन द मनी कॉल लेके आउट ऑफ द मनी पुट ले लीजिए, आउट ऑफ द मनी, लेकिन कौन सी, नेक्स्ट वीक की, इन द मनी कॉल आउट ऑफ द मनी पुट। मतलब अगर उस समय बैंक निफ्टी सपोज 24,000 चल रहा है, तो 24,000 की नेक्स्ट वीक की कॉल ले लीजिए 10 तारीख वाली, और सेफ्टी के लिए 23,400 का पुट ले लीजिए या 23,500 का, ठीक है, वो एक स्ट्रेटेजी। या फिर फ्यूचर लेते हो आप, उस समय बैंक निफ्टी आपको लगता है कि और ऊपर जाएगा गज केसरी योग के कारण, जो कि मुझे भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं उसको कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूँ। तो उधर आप फ्यूचर अगर लेते हो तो साथ में एक पुट उसी रेट का पुट ले लीजिए, 200-300 रुपये में पुट मिल जाएगा या 400 में मिल जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर मूव आएगी तो वो 1,000 से ज़्यादा आएगी, याद रखिएगा, आज कल और मंडे तक ऊपर की, 2 बजे के बाद भी, ठीक है। ये मुझे समझाना था। अब आ जाइए, मैं उस वेज का भी फिगर आपको एग्जैक्ट देता हूँ, जो आज जहाँ पे निफ्टी के लिए घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब 2 दिन देख चुके हैं, ये ब्रेकडाउन आया था दोस्तों, ये ब्रेकडाउन के बाद अभी तक निफ्टी इस वेज में घुसा नहीं, और वेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है दोस्तों, और वेज कंप्लीट होने के कगार पे है, यानी कि ब्रेकडाउन एक्चुअली, ये जो कैंडल दिखा रही है ये बोलती है कि ब्रेकडाउन आ चुका है। अब खाली आपको माला पहनाई जा रही है, लेकिन जब अब ये 3 तारीख को यहाँ पे आ रहा है, 3 तारीख को इस फिगर के अंदर घुसा, ये तो 695 बोल रहा है, यानी कि 700, 700 आप एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 700 सिक्स, ये कितना आ रहा है एग्जैक्टली, ओके हाँ 681, 681 के ऊपर ही बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी आपको 900 का स्तर दिखा सकता है। 681 के ऊपर क्लोज करेगा तो, क्लोज करेगा तो, 681 के ऊपर क्लोज करेगा तो आपको 900 का स्तर दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, क्योंकि मैं 8 तारीख से बड़ी मंदी देख रहा हूँ। 8 तारीख को क्या फिगर बताता है ये, अगर अगर ऊपर जाता है वेज में तो ये बता रहा है 962, 948, 948 का फिगर दिखा रहा है। अगर ये 680 के ऊपर निकले आज या कल के अंदर, नहीं कल का तो अलग हो जाएगा, आज का 680 आ रहा है, तो 680 भी नहीं आ रही, 695 आ रहा है, 695 मान लीजिए। और कल के लिए अगर देखते हो तो कल के लिए ये फिगर 751 हो जाएगा, कल के लिए ये फिगर 751 हो जाएगा, आज जो 695 में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज मुझे लगता है निफ्टी में एक बार 650 का लेवल भी आराम से देखने मिलेगा 2 बजे तक ही, 2:15 तक, और या फिर 2:15 के बाद हो सकता है बैंक निफ्टी खींच दे, है ना। तो
लेकिन 2:15 के बाद आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी मैंने बता दिया है। अगर आप फ्यूचर में रहते हो तो साथ में एक पुट ले लीजिएगा, एट द मनी पुट ले लीजिएगा। एट द मनी मतलब जो रेट चल रही है उसी का, ताकि आपको नीचे का कोई सेफ्टी हो जाए, ऊपर का तो आप कमाई करोगे फ्यूचर से, ठीक है। वो 10 तारीख वाला ही लेना, महंगा कोई भी चीज़ नहीं लेना। और या फिर एट द मनी कॉल ले लीजिए और आउट ऑफ द मनी पुट ले लीजिए साथ में सेफ्टी के लिए। सपोज़ उस समय बैंक निफ्टी 24,000 चल रहा है 2 बजे के आसपास, 2:15 के आसपास, तो 24,000 का कॉल 10 तारीख वाला और 23,500 या 23,000 का पुट सेफ्टी के लिए। अगर 23,000 का लेते हो तो 2 ले लीजिएगा और 23,500 को लेते हो तो 1 ले लीजिएगा पुट। ये मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब आप लोग लाइक्स के बटन दबा दबा के मुझे खुश कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही बनाते रहूं। और मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपका प्यार चाहिए बस। और दूसरा, ये फटाफट मैं आपको वेबिनार का डिटेल जल्दी से दिखा देता हूँ, ताकि कुछ लोगों को अगर मिस हो गया होगा तो। 12 और 13 तारीख को वेबिनार है, 2 दिन की रहती है हमारी वेबिनार, हम एक दिन में काम नहीं सलटाते लोगों का, ठीक है। तो 2 दिन का रहता है और बहुत ज़बरदस्त वेबिनार होता है, क्योंकि आप अपने दम पे फिर वो स्टॉक निकालते हो जो मैं निकालता हूँ, 10% बढ़ेगा, ठीक है, अपने दम पे गारंटीड। तो ये है, तो इसकी प्राइस बहुत कम है, 15,000 की प्राइस होनी नहीं चाहिए ऐसी वेबिनार की, कम से कम भी 15 लाख होनी चाहिए। मेरा मानना है 15 लाख से नीचे की वैल्यू नहीं है इस ट्रेनिंग की, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि बचपन से अगर आपने कॉलेज तक की पढ़ाई की होगी तो आपके माँ बाप ने आप पे 10 से 15 लाख तो आराम से खर्चा किया, उसके बाद भी आप 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए फाइल लेके घूमते हो। लेकिन ये जो 2 दिन का वेबिनार है वो आपको ऐसा स्टॉक निकालना सिखा दे रहा है कि वो चाहे मार्केट किधर भी जाए वो 10% का आपको गेन देगा, और वो अपने दम पे निकालना। सोचिए, मतलब आप पैसा कमाना सीख रहे हो, ये किसी वेबिनार या किसी ट्रेनिंग में कोई नहीं सिखाता, पूरे वर्ल्ड में, नॉट इंडिया। तो ये है, तो जल्दी इसमें एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहा हूँ, 5 तारीख तक जो ज्वाइन करेगा, 5 तारीख तक जो पैसा देगा, फीस दे देगा, फीस उसको 14,000 में अलाउड होगा, बाकी 15,000 फ़ोन आप करना नहीं, फ़ोन करोगे ब्लॉक कर दूंगा। कोर्स का कंटेंट कुछ नहीं है, अगर आप कोर्स का कंटेंट पूछते हो तो जय श्री राम, मत करिए ज्वाइन, ठीक है। लेकिन आपको सारे सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और बहुत आसान भाषा में सिखाया जाता है, क्योंकि जो भी बंदा बिल्कुल भी नया है स्टॉक मार्केट के लिए, उसके लिए भी ये क्लास है। बिल्कुल नया, जो आज कदम रखा है स्टॉक मार्केट में, वो भी उतना ही एक्सपर्ट बन के निकलेगा जितना जो 10 साल से है। जय जिनेंद्र, जय बोलेनाथ, जय।